नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष बेटिंग ब्लॉगर में। तो आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम अपने अनुभव के ऊपर बना रहे हैं ताकि जो भी लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि फोटोग्राफी करियर में कितना पैसा है तो वो लोग भी ये बात जान लें खासतौर पर। ठीक है, तो दोस्तों माय नेम इज आशीष चौरसिया फ्रॉम कानपुर। और जो है हमको फोटोग्राफी में करते करते करीब जो टाइम है वो करीब 17 साल का हो गया है। 2007 से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी और 2010 में मैंने अपना एक फोटो स्टूडियो ओपन कर लिया था। ठीक है, और कंटिन्यू चल रहा है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात करते हैं कि जो लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, ठीक है, उस पर तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, फोटोग्राफर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोटोग्राफर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको केवल कैमरा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आपने कैमरा ले लिया है और आप फोटोग्राफी कहीं पर करने चले गए, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोटोग्राफी करने के लिए देखिए, जो मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबका अपना अपना रवैया है, बोलना ठीक है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने फोटोग्राफी के कैरियर में इंटर पास किया, अब हम चाहते हैं कि हम करें, तो क्या है कि सबसे पहले सेटिस्फेक्शन। अगर आपको किसी काम करने से, कोई भी काम आप करते हैं, अगर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे कि मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी तो मुझको स्टार्टिंग से ही सेटिस्फेक्शन मिलने लगा था कि नहीं, हमारा इसमें मेरी लाइफ सिक्योर है और हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने फोटोग्राफी स्टार्ट करी तो पैसा कमाने के लिए नहीं करें, ठीक है, कि नहीं हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, हमको ये लगा जिस काम को करने से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमको खुशी लगती है और हमको ये लगता है कि नहीं, मतलब हमको एक तरह से ये नहीं फील होना चाहिए कि जो है मेरा समय बर्बाद हो रहा है और मतलब पैसा कम मिल रहा है, ऐसा वैसा ये सब नहीं। तो हमने स्टार्ट करी थी तो ये सोच के स्टार्ट करें कि मेरे पास एक ऐसा करियर होना चाहिए जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये सोच के स्टार्ट करी थी। और वाकई में सिनेमा लाइन एक ऐसी है कि जितना आपका नॉलेज है और आप आगे तक जाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोटोग्राफी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अलग है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना बैकग्राउंड में पैसा है, सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक कैमरा लेना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक निकॉन का कैमरा ही परचेस करें। निकॉन का कैमरा इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कि आपको बहुत ही नॉर्मल सेटिंग होती है, उस सेटिंग से आप कैमरा में फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे, कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे और बहुत ही आसान सेटिंग होती है उसमें, ठीक है। और बेसिकली 1 लाख रुपए के एवरेज में आपका एक कैमरा और एक लेंस आपको मिल जाएगा, मतलब पूरी किट मिल जाएगी बोल सकते हैं, ठीक है, कैमरे की, केवल स्टिल कैमरे की, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप खुद से ये समझिए कि हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे किसी क्लाइंट की तो जो एक प्राइस होता है, तो पहले तो आप डिसाइड करें कि आप क्या चार्जेस लेते हैं सामने वाले से। सामने वाला आपको कुछ भी दे रहा है तो आप ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको वो चार्जेस देना चाहिए जिसकी आपको जितनी नॉलेज है, जैसे मान लीजिए मतलब हमारा एक्सपीरियंस है तो हम तो 1 आवर के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। जैसे कि हम जो फोटोग्राफी करते हैं तो ये घंटे के चार्जेस 2000 रुपये लेते हैं, और मिनिमम 4 से 5 घंटे का अगर इवेंट हो रहा है तो आप बोल सकते हो 8 से 10 हज़ार रुपये हम लेते हैं केवल सॉफ्टवेयर के, ये हमारे चार्जेस हैं, ठीक है। और बाकी आपने जो कैमरा लिया होगा उसके रिगार्डिंग और आपका जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से आप अपना चार्जेस क्लाइंट से ले सकते हैं। और क्लाइंट भी आज की डेट में जिसको भी काम मिलता है वो उसकी रेटिंग और उसका एक्सपीरियंस कितने ईयर का है उस हिसाब से क्लाइंट उसको काम देते हैं और उसी हिसाब से फोटो की क्वालिटी भी निकल के आती है। एक्सपीरियंस हर चीज़ में एक अनुभव होता है, जो कि अनुभव आपको मिला है वो मैंने आपको बताया है। तो और फोटोग्राफी के लिए क्या है कि आपने जो कैमरा खरीदा हुआ फिर आप उस कैमरे से नॉर्मल फंक्शन शूट करिए
और ऐसे फंक्शन सूट के जो आपके घर के हो, ना कि किसी पहले ही आपने कैमरा लिया हो किसी पार्टी का ऑडियो ले लिया, तो उसमें क्या होगा कि क्लाइंट को तो नहीं पता है ना कि मैं फोटोग्राफर है, लेकिन उसका काम खराब हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, एक्सपीरियंस लीजिए, किसी के पास आप 3 साल कम से कम काम करिए, उसमें क्या होगा आपको क्लाइंट मतलब कस्टमर को डील करने का अनुभव मिलेगा और फोटोग्राफी कैसी होती है, कहाँ पर कौन सा टोन रखना है, क्या सेटिंग होती है, ठीक है, वो भी आप जान पाएंगे और वहाँ से आपका करियर बिल्डअप हो पाएगा, ठीक है। और मैंने ये अपना अनुभव इसलिए आपको बताया क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो भी फोटोग्राफर होता है उसके चेहरे में ना हमेशा स्माइल होना बहुत जरूरी है। और जो लोग हम उनसे कहना चाहते हैं, जो लोग टिंग करके फोटोग्राफी करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के यहाँ फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पर आप ये मान के चलिए आप जिसकी भी फैमिली में आप जा रहे हैं तो फोटोग्राफर एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है, तो वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना, ताकि आप किसी से बेहिचक बात कर सकते हैं और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि सब्जी देहाती या जो भी अदरवाइज हो, किसी में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे मैं नहीं करता हूँ। और अगर आप मान लीजिए करते हैं जो भी फोटोग्राफर हैं तो वो अपना इवेंट को खत्म करने के बाद आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसमें क्या होगा हमारे फोटोग्राफर भाई उनकी भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी और क्लाइंट भी आपको दोबारा से याद करेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, फोटोग्राफर को क्लाइंट दोबारा तभी याद करता है जब याद तो होते हैं दो तीन चीज़ें होती हैं, क्वालिटी, बिहेवियर और सर्विस। अगर ये तीनों चीज़ें उसको मिल रही हैं टाइम से तो क्लाइंट कभी आपको मतलब दूसरा फोटोग्राफर हायर नहीं करेगा। और अगर इन तीन चीज़ों में सर्विस थोड़ा सा लेट मिल रही है तो याद कर लेगा तब, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है उसको, ठीक है ना, तो भी थोड़ा बहुत याद कर लेगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर बिल्कुल गंदा है तो वो कतई आपको बिल्कुल याद ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पैसा सबके पास है, ठीक है ना, आपका क्या स्किल है, आपने कितना आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप जो चार्जेस क्लाइंट देते हो वो आप उस हिसाब से लेते, ठीक है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।